ये गांधी आश्रम का चौपड़ा है जहां झुग्गी झोपड़ी में जो है हम इन लोगों के लिए जो है राशन पिछले जो है 7-8 दिन से लगातार बांट रहे हैं। आज हम यहां इस चौराहे पर आए और हमने झुग्गी झोपड़ी में आके इनसे कहा कि भाई हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं, ये बाहर आए। जब बाहर आके इन्होंने जो है अपनी लाइन लगा ली तो हमने इनकी झुग्गी झोपड़ी में जो है अंदर घुस के देखा तो इन्होंने जो है मुर्गे की जो है सारी जो है पूरी पराठे जो है बड़ी बड़ी कढ़ाई चढ़ा रखी है और हाँ जाओ जाओ। और ये स्थिति जो है आपके खाना सारा नीचे पड़ा था। ये सरकारी पैकेट है, सारी ये सरकारी पैकेट है। ये देखिए मुर्गा, ये मुर्गे का मीट चल रहा है, हलीम बिरयानी और जो है मुर्गे का मीट सारा जो है जितना भी राशन है और ये आपका आटा और जो कच्चा राशन भी देखो किस तरीके से भरा पड़ा है। और जो लोग बांटने वाले हैं, जो गरीबों की सेवा कर रहे हैं, उसमें देखो सब लोगों से इन्होंने ले रखा है। और ये पूरी की स्थिति है। दाल के वजह से गाजी से खा देती गाजी पूरी दाल के वजह से जो भी बोलेंगे। ये गांधी आश्रम की झुग्गियां हैं। मैं सभी मेरठ वासियों से जो लोगों की सेवा कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि यहाँ खाना बिल्कुल ना पहुंचाए। ये इन लोगों को खाने की कोई जरूरत नहीं है। और इनका कहना ये है जो इन्हें मुर्गा मिल रहा है वो इस्लामाबाद में एक दुकान खुली हुई है किसी मुसलमान की, वो जो है मुर्गे का व्यापार बड़ी पैमाने पर कर रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा महल के पीछे एक कुष्ठ आश्रम में है जहां हम अभी जो है सभी लोग आए और हमने जो है आकर देखा कि यहां जो है इनकी क्या स्थिति चल रही है। ये सारे दरवाजे तालों से जो है बंद है, ताले लगे हुए हैं। अभी हमने एक गेट का जो है ताला खुलवाया और उसमें देखो आप जो है यार ये तुमने इनकी तो बड़ी जो है बेकदरी कर रखी है, है? इतना अन्न बेकार पड़ा ये खाना तो बेकार कर दिया तुमने सब। इनमें क्या भरे हुए लगे हुए जहाँ हम सब लोग अपनी जान पे खेल के अपने परिवार की जान पे खेल के सारा जो है रिक्स लेके इन लोगों को जो है खाना मुहैया करा रहे हैं। यहाँ इन लोगों ने जो है ये स्थिति कर रखी है और मैं आपको